हेलो गाइज, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार एक दोस्त ने मेरे सवाल पूछा कि यार मैं एलन मस्क को देखता हूँ, जिस चीज में हाथ डालते हैं उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, वह जिस चीज में हाथ डालते हैं वो हर चीज में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और एक बार अंकुर वरीको से भी सवाल पूछा गया था कि आपका आइडल कौन है, तो उन्होंने बोला कि एलन मस्क एक ऐसा इंसान है जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर सच में एलन मस्क ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से हर एक चीज में जिसमें वो हाथ डालते हैं वह सक्सेसफुल हो जाता है, तो हम उसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हमारा एक फ्लो का कोर्स लॉन्च हुआ है जिसमें आप अपने एफिशिएंसी को, जो आप पढ़ाई करते हैं उसको 5 गुना बेहतर बना सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कोर्स भारत में पहली बार लॉन्च हुआ है जिसमें आपको सिल्वा मेथड भी मिलेगा, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कोर्स फॉरेन में 40 से 50 हजार का बिकता है, लेकिन उस कोर्स को हमने मात्र 299 में लाया है। अगर आप कूपन कोड FLOW25 अब यूज करेंगे तो इसको आप ले पाएंगे और यह वैलिडिटी सिर्फ कुछ दिन तक ही चलेगी। तो अब हम जानेंगे दोस्तों एलन मस्क के बारे में और उनके माइंडसेट के बारे में कि कैसे एलन मस्क काम करते हैं। आप एक चीज समझिए कि पहली बात तो एलन मस्क ऐसा नहीं कि वो फेल नहीं होते हैं। यह कहना सबसे बड़ी बेवकूफी है कि एलन मस्क कभी फेल नहीं हुए। जितनी बार एलन मस्क फेल हुए हैं शायद उतनी बार कोई फेल ना हुआ हो। पहले इनके इतिहास के बारे में चलेंगे, इनके बचपन को समझेंगे, फिर आपको समझ में आएगा आखिर एलन मस्क कैसे एलन मस्क बने। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब एलन मस्क छोटे थे तब ये क्या बेचते थे, ब्लूबेरी बेचा करते थे, ये क्या बेचते थे, टॉफी बेचा करते थे। इन्होंने ये सब बेचा है जब इनकी उम्र 15-20 साल के 25-21 साल के आसपास थी। यह तो बाद में आए हैं पीएचडी करने के लिए ऑक्सफोर्ड में, ऐसे किसी बड़े यूनिवर्सिटी में आए थे, ये तो बाद में आए हैं। उसके पहले इनका बहुत बेहतर करियर, ऐसा नहीं था बहुत बड़ा करियर था इनका, ठीक है। इन्होंने, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये क्या करते थे कि एक वो होता था, टैंक होता था, उसको ये साफ करते थे। जब एलन मस्क से पूछा गया कि आप जाके टैंक क्यों साफ करते हैं, तो एलन मस्क ने ये बोला कि मुझे उसके बदले बहुत पैसे मिलते थे, मेरे घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी तो हमें पैसे चाहिए थे, तो हम लोग काम करते थे क्योंकि उससे हमारा मेरा बहुत सारा खर्चा निकल पाता था। तो ऐसा नहीं था कि इनके जो बचपन से ये जीनियस थे, बहुत सारी चीजें तो इन्होंने मजबूरी में की। जरा सोचिए कि दुनिया के जो सबसे अमीर इंसान है, आपको पता था कि वो ब्लूबेरी बेचता होगा, वो फल बेचता होगा, टॉफी बेचता होगा, तो एलन मस्क ने ये भी किया है। तो अगर आपके लाइफ में ऐसा चल रहा हो, सिचुएशन ऐसी हो कि आप नमकीन बेच रहे हो, टॉफी बेच रहे हो, बिस्किट बेच रहे हो, कोई बात नहीं, आप क्या उस चीज को किस वजह से कर रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहली लर्निंग मिलती है कि एलन मस्क चाहे कुछ भी करते हैं हर एक चीज अपने विजन से जोड़ के देखते हैं। मान लीजिए कि आप जैसे आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे अगर आप गेम खेलने जाते हैं तो क्या आप इस माइंडसेट से जाते हैं कि मैं जाऊंगा आधे घंटे गेम खेलूंगा, लेकिन ऐसा गेम खेलूंगा जिससे मेरी हेल्थ अच्छी हो, मजा भी आए लेकिन हेल्थ अच्छी हो, ताकि मेरा माइंड एक्टिव रहे, मेरा हर एक चीज एक्टिव रहे। तो इनका हर एक चीज क्या था, विजन से था। इन्हें एक चीज पहले से समझ में आ गई थी, जो टेक्नोलॉजी है वो आने वाले वक्त में क्या होगा, बूम करेगा। जो टेक्नोलॉजी है, जो नॉलेज है, इससे क्या होगा, बूम करेगा, ठीक है। तो इन्होंने वही रास्ता चुना जहां से दुनिया को बदल सकते थे, और वो रास्ता था नॉलेज का, और सही डायरेक्शन में नॉलेज का। मान लीजिए कि अगर इनको पूरी दुनिया को बदलना है तो जाहिर सी बात है ये पेंटिंग करके तो पूरी दुनिया बदल नहीं सकते हैं, इंपैक्ट ला सकते हैं पर दुनिया नहीं बदल सकते हैं। तो इन्होंने वह रास्ता चुना जिससे दुनिया बदल सकती थी, इसीलिए बचपन से ही लगातार फिजिक्स और कोडिंग ये पढ़ते थे। फिजिक्स कोडिंग में इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, ठीक है। और इन्होंने बचपन से ही क्या किया, सपने को बुनना शुरू किया, ठीक है। जो दूसरी चीज थी वो क्या थी कि इन्होंने एक अपनी दुनिया बनाई, एक अपना माइंडसेट बनाया। आपने एक कैरेक्टर को देखा होगा मैट्रिक्स में, उसका नाम है नियो, ठीक है। वह क्या होता है, उसको बिलीव होता है कि वह क्या है, एक मसीहा है। वह पर मसीहा होता नहीं है, बस उसको बिलीव होता है कि ही कैन चेंज एनीथिंग, ठीक है, पूरी दुनिया को बदल सकता है, वह एक मसीहा है। और यही चीज एलन मस्क के साथ थी, वह तो मूवी का कैरेक्टर था, लेकिन एलन मस्क ने बचपन से ही अपने सपनों को सजा लिया था। यह क्या थे, मूवी देख स्टार ट्रेक जैसे सीरीज आती थी ये देखते थे, और यह बोलते थे कि मैं स्टार ट्रेक से, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित था, ये रॉकेट से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इन सब चीजों से ये बहुत ज्यादा ये प्रभावित थे, आइंस्टाइन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तिन्होंने अपनी दुनिया बना ली थी, जैसे मूवीज में क्या होता है कि वो बड़ी अलग अलग प्लैनेट पे जाते थे, अलग अलग दुनिया में जाते थे, तिन्होंने पहले से अपनी दुनिया बना ली थी कि हाँ मुझे आगे चल के ऐसे ही चेंज लाने हैं, ऐसे बड़े बड़े इनको चेंज लाने थे। तो इन्होंने अपनी सपना बना लिया था कि मुझे पूरी दुनिया को बदलना है एज ए हीरोइक। इसीलिए आप देखेंगे जब भी एलन मस्क क्या होते हैं, जब आते हैं मीडिया के सामने तो ऐसे रिप्रेजेंट होते हैं, ऐसे बोलते हैं जैसे वो सच में एक मसीहा हो।
और आज दुनिया उन्हें ऐसे ही देखती है कि जैसे एक हीरो है जो पूरी दुनिया को बदल रहा है, जो पूरे फ्यूचर को कंट्रोल कर रहा है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जो सबसे जरूरी है वह क्या है कि आखिर यह फेल कि मतलब ये फेल होने के बावजूद, मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि ये आखिर हार क्यों नहीं मानते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितनी बार एलन मस्क हारे होंगे उतनी बार कोई नहीं हारा होगा। क्योंकि जब आप इनके रॉकेट को देखते हैं, आप जब देखते हैं कि 2008 में इनका जो रॉकेट सक्सेसफुल हुआ, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कंपनी तो 2000 के आसपास ही शुरू हो गई थी। 8 से 9 साल इन्होंने क्या किया था, लगातार फेलियर झेला था, लगातार हर दिन इन्होंने फेलियर झेला था, हर दिन फेलियर झेला था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी जो वाइफ है वहां से इनका तलाक हो गया, इन्होंने घर बेच दिए, रेंट पे चले गए। लेकिन आखिर कौन सी ऐसी चीज थी जिससे ये हर चीज में सक्सेसफुल होते थे, वह था कि द लास्ट ब्रेथ। ठीक है, जो तीसरी चीज है वो क्या है, लास्ट ब्रेथ के बारे में, मतलब कि एक इंसान जो आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है, ठीक है, जो पूरा जीवन लगाने के लिए तैयार है, ठीक है, वह इस बी, जिसके पास बी प्लान नहीं है, वह इस डर से बी प्लान नहीं रख रहा है कि मेरा ए फेल होगा तो मैं बी करूंगा, जिसकी वजह से वह पूरी ताकत से झोंक पा रहा है, तो उसको सफलता मिलनी तय ही है। क्योंकि एलन मस्क से इंटरव्यू पूछा गया, जब आप लगातार फेल हो रहे थे और 2008 के बाद आज के पास आपके आपके पास पैसा नहीं था, तब आप क्या सोच रहे थे, तो एलन मस्क यही सोच रहे थे। एलन मस्क ने बोला कि मेरे मन में एक बार भी ये सवाल नहीं आया कि मैं इसे नहीं कर सकता हूं, वह रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू थे। तो एलन मस्क का मतलब यह है कि वो आखिरी सांस तक लड़ते हैं। आप कोई भी चीज चुनिए, ठीक है, किसी चीज को आपने चुना उसके पीछे आप आखिरी सांस तक लड़िए, आखिरी सांस तक पूरी एक एक कण लगा दीजिए, तो चीजें होनी ही हो उनको। चाहे किसी भी स्टोरी उठा के आप देखें, चाहे बुद्धा की स्टोरी उठा के देखें, चाहे महात्मा गांधी की, चाहे किसी भी जो बेस्ट जो ग्रेटेस्ट लोग आए हैं, उन्होंने जिस चीज पे जो जो उनकी कॉलिंग थी जब वो उसके पीछे गए, ठीक है, तो उन्होंने कितने भी फेलियर उनके पीछे वो हटे नहीं पीछे। अब बात समझ रहे हैं, यहां पे कुछ लोग 10 फेलियर झेलते हैं, 50 फेलियर झेलते हैं, ठीक है, वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन एक इंसान सोचिए जिसके ऊपर अरबों रुपए का कर्जा है, इसकी दोनों कंपनी डूबने वाली है, इसकी जो वाइफ है उससे इसका डाइवोर्स होने वाला है, घर इन्होंने बेच दिया है, रेंट पे रहने के लिए चले गए हैं, अगर सब बर्बाद होगा तो जीरो पे आ जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे, सब कुछ बर्बाद होगा। इसके बावजूद भी वो इंसान रात भर प्लान कर रहा है, रात भर प्लानिंग कर रहा है, मार्केटिंग प्लानिंग कर रहा है, वो लगातार काम कर रहा है। तो इसीलिए एलन मस्क नहीं हारते हैं, क्योंकि एलन मस्क जिस चीज में फेल होते हैं वो फेल होने के बाद भी लगे रहते हैं, और जब चीजें सक्सेसफुल हो जाती है तब लोगों को दिखता है ये चीज तो सक्सेसफुल हो गई। मान लीजिए कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपका 3 अटेम्प्ट नहीं निकला, चौथे में निकल गया, तो कोई ये तो आपको तो बोलेगा नहीं फेलियर, आपको वो तो आपको सक्सेसफुल ही बोलेंगे। लेकिन आप 3 अटेम्प्ट के बाद पीछे वापस चले जाते हैं तो लोग आपको क्या बोलते हैं कि आप फेलियर हो। तो अगर आप चीजों से पीछे मतलब उन चीजों से नहीं हटते हो, ठीक है, तो क्या हो, आप फेलियर नहीं हो। और जो सबसे चौथी चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम अपने फ्लो कोर्स से भी जोड़ सकते हैं कि ये क्या करते हैं, ये बहुत ही एक्टिव मतलब एक्टिव वे में काम करते हैं। इनका जो माइंड अब स्टेट होता है बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है। मैं आपको एक पिक दिखाऊंगा, यहां पे शायद पिक होगा या नहीं होगा, पिक नहीं है दोस्तों। आपको जानकर हैरानी होगी, जो एलन मस्क हैं इनके जो गुरु हैं वो खुद जिम क्विक हैं। जिम क्विक कौन है, जिम क्विक माइंड ट्रेनर हैं। वो क्या करते हैं, इंसान के माइंड को ट्रेन करते हैं। तो खुद एलन मस्क ने उनसे क्या किया था, 2000 के आसपास उनसे ट्रेनिंग ली थी ताकि वो क्या करें, चीजों को बहुत जल्दी सीख पाए, बहुत जल्दी पढ़ पाए, बहुत कुछ कर पाए, ठीक है, बहुत कम टाइम में 5-10 गुना 20 गुना ज्यादा वो काम कर पाए। जो हमारा दोस्तों फ्लो का कोर्स है उसमें भी हम यही कर रहे हैं, जो चीजें फॉरेन लोग यूज कर रहे हैं उसे हम इंडियन स्टूडेंट के लिए लाना चाहते हैं, जो इंडियन लोग हैं उनके लिए लाना चाहते हैं, और सस्ते में लाना चाह रहे हैं। क्योंकि वो कोर्स अगर आप जो वैली नाम की वेबसाइट है वहां पे आप जाएंगे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, तो वो कोर्स आपको 40,000 की मिलेगी। लेकिन वो चीज हम इसीलिए ला रहे हैं ताकि हम ऐसे लोगों को बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट बना सकें और बहुत ही ज्यादा बेहतर बना सकें। तो यहां भी ये था, जब भी एलन मस्क काम करते हैं तो उनका स्टेट ऑफ माइंड होता है वो बहुत ही बेहतर में होता है, वो फ्लो में होता है, एक तरीके से बोलते अल्ट्रा स्टेट में होता है, जहां पे जब वो कोई काम करेंगे, जब कोई चीज पढ़ेंगे तो 5 गुना तेजी से चीजों को पढ़ पाएंगे, ठीक है, बहुत तेजी से चीजों को कर पाएंगे, ठीक है, कम टाइम के अंदर। अब मान लीजिए कि आप दिन में 8 घंटा काम करते हैं, आपकी कैपेसिटी बहुत खराब है, तो आप 6 दिन काम करेंगे, मान लीजिए मैंने क्या किया, आपकी जो कैपेसिटी है 6-7 गुना बढ़ा दिया, ठीक है, मतलब आपकी माइंड की कैपेसिटी बढ़ा दिया, तो वो काम तो आप एक दिन में कर पाएंगे। तो जो इंसान एक बार में 7 कंपनी खड़ा कर पाएगा, वही एलन मस्क, ठीक है, मतलब सात इंसान 7 कंपनी खड़ा करेंगे, वहीं पे एलन मस्क अकेले ही 7 लोगों के बराबर 7 कंपनी खड़ी कर पाएंगे। इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनी चलाते हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होती है, और ये चला पाते हैं क्योंकि इनका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो काफी ज्यादा डीप है, जिसकी वजह से ये कम टाइम में क्विक डिसीजन ले पाते हैं, क्विक लर्न कर पाते हैं, क्विक समझ पाते हैं और उसको बेहतर तरीके से कर पाते हैं।
अब आते हैं पांचवें पॉइंट पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? मार्केटिंग। एलॉन मस्क से बेहतर कोई मार्केटर नहीं है। बात करेंगे टेस्ला की। वो जब टेस्ला कार निकाल रहे थे, ठीक है, तो लोगों को लगा कि इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे। आपको पता है उन्होंने मार्केटिंग कैसे की थी? उन्होंने मार्केटिंग कैसे किया था? उन्होंने किया कि हम अर्थ को क्या बनाएंगे? पॉल्यूशन फ्री बनाएंगे, इलेक्ट्रिक कार को लाएंगे, पॉल्यूशन फ्री बनाएंगे। दुनिया में इतना पॉल्यूशन फैल रहा है, दुनिया में उतना पॉल्यूशन फैल रहा है, ठीक है। यहां तक जो लियोनार्डो डिकैप्रियो थे, आपको पता है कि वो क्या करते हैं? एनवायरमेंट को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो ये उनको लाते इंटरव्यू में। अब लोगों को लगता था ये तो बेहतर काम कर रहे हैं, ये तो कार ला रहे हैं, पूरी इंडिया दुनिया को क्लीन करेंगे, कितना महान काम है, कितना बड़ा काम है। और उसी की वजह से कारें बिकती थी, क्योंकि जब कोई स्टार उन कारों को लेकर जाता था तो उनको लगता था कि वो क्या कर रहा है? दुनिया की सेवा कर रहा है, दुनिया की रक्षा कर रहा है। और यह मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद एलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक कारें नहीं टेस्ला शुरू नहीं किया था, वो तो इन्वेस्टर हैं, लेकिन दिखाते ऐसा है कि उनका विजन था, उनका विजन ऐसा था कि वो कारें बेचना चाहते, उनको मार्केटिंग करनी आती थी, वो भी ऐसी मार्केटिंग जो साइलेंट मार्केटिंग है। कोई सोच सकता है कि इंसान मार्केटिंग है, लोगों को लगेगा महान काम है, और इससे वो कारों को बेच पाते थे। तो ये अगर आपको बेचना आता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो ये जो लोग हैं, ये सबसे बड़े क्या है? एक तरीके से मार्केटर हैं। बिना इनके ये कुछ नहीं कर सकते, वरना टेस्ला जैसा हाल होता, एडिसन टेस्ला में यही फर्क था। तो जो एलॉन मस्क की जो काबिलियत है वो क्या है? ये लगातार मार्केट में बने रहते हैं, अपने आप को ऐसे हीरोइक दिखाते हैं, दूसरी चीज ये चीजों को बेच पाते हैं। और एक चीज जो और है, ये क्या करते हैं? 50-50% चांस लेते हैं। इन्होंने अपने किताब में बोला था कि मैं क्या करता हूं, 50% बिजनेस और 50% जो अच्छाई है उनको दोनों को कंबाइन करता हूं। मतलब जब भी ये कोई चीज चुनते हैं, ठीक है, तो ये देखते हैं कि क्या वह चीज इंसान के लिए फायदेमंद है, ठीक है, अच्छा है। क्या यह चीज बिजनेस के लिए फायदेमंद है, ठीक है, अच्छा है, तब वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ क्या हो, सिर्फ फायदेमंद हो, बहुत फायदेमंद हो, चलिए ठीक है, आपने एक ऐसी कंपनी बनाई जो फायदेमंद है, लोगों को फायदा कर रही है, लेकिन आपको फायदा नहीं हो रहा तो कंपनी क्या होगी? कोलैप्स हो जाएगी, बंद हो जाएगी। भाई कब तक आप फ्री में काम करेंगे? दूसरी चीज कि क्या यह चीज बिजनेस के लिए फायदेमंद है, ठीक है। ऐसा नहीं कि फ्री में काम करें हमको कुछ फायदा ना हो। भाई अगर हमें फायदा होगा तभी तो हम और चीजें कर पाएंगे। तो ये दोनों चीज को ये कंबाइन करते हैं, उसके बाद ये डिसीजन लेते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि इनके जितने भी डिसीजन हैं, चाहे रॉकेट का हो, चाहे टेस्ला कार का हो, चाहे किसी भी कंपनी का हो, ये हमेशा लोगों के बारे में सोचते हैं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसके पीछे मनी कमाते हैं। तो आज के जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? सिर्फ पैसा देखते हैं, हम कोई बड़ा सा बिजनेस खड़ा कर लेना है। कभी ये इसके बारे में सोचते नहीं कि हम क्या करें, एक हम ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व करे। तो दोस्तों, ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से एलॉन मस्क जो अपने डीप लेवल में जा पाते हैं, कौन से लेवल पे जा पाते हैं? फ्लो के लेवल पे जा पाते हैं। अब वहां पे कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा काम ये कर पाते हैं। तो हमारा कोर्स भी दोस्तों इसी के बारे में है, ताकि आपकी मदद हो सके, जो और स्टूडेंट उनकी रियल में मदद हो सके, क्योंकि उनको सच में कोई नहीं बताता है कि आप पढ़ाई कैसे करो। हर कोई बोलता है पढ़ाई करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता, कोई भी उनको ये नहीं बताता है कि आप याद कैसे करो। हर कोई बोलता है बस याद करो। तो यहां पे वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आपकी रूट कॉज प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।